जय हिंद भाई। सभी को, आप सभी को पता है SSGD का एग्जाम आ गया। लगभग एक महीने के आसपास का समय आपके पास में बचा है और इस समय काफी बच्चे इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि सर इस बार की जो मेरिट है वो कितनी जा सकती है, कितने फॉर्म भरे गए होंगे, कितने नंबर हमको टारगेट करना चाहिए। क्योंकि जो बच्चा कैलकुलेशन से इस पेपर को अटेंड करता है वही सक्सेस होता है, जो अंधाधुन अटेंड करता है वो कभी सक्सेस नहीं होता SSGD में। क्योंकि पेपर का लेवल आसान रहता है लेकिन आपको आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके वहां से मेरिट क्या जाती है, इसको टारगेट करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको अंतिम के एक महीने में पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे मान के चलिए अगर कोई गुजरात का बच्चा है कि यूपी का बच्चा, यूपी के बच्चे को चारों सब्जेक्ट को बराबर कवर करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर वही बच्चा गुजरात का है तो उसको चारों सब्जेक्ट के बजाय तीन सब्जेक्ट पर ज्यादा टारगेट करना चाहिए, रीजनिंग पर, हिंदी पर और जीके पर, ताकि इससे इसका काम बन जाएगा। अगर वो इस समय मैथ सीखने की कोशिश करेगा एक महीने में, ना तो मैथ सीख पाएगा और ना ही उनमें अच्छा स्कोर कर पाएगा। इसलिए आपको टारगेट कि इतनी कट ऑफ जा सकती है उसके लिए कुछ आंकड़े, एक RTI लगाई थी मैंने इससे पहले, मैं आपको बता दूं इस RTI में मैंने पूछा था कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि फॉर्म से ही हम पता कर सकते हैं कि इस बार के कट ऑफ का अनुमान क्या रहेगा। देखो जो कुल फॉर्म भरे गए हैं वो है 47,45,501 फॉर्म। ये सभी कैटेगरी के 47,45,501 फॉर्म टोटल भरे गए हैं इस बार, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी वाइज भी पिछली बार ये जो फॉर्म का आंकड़ा था वो लगभग 75 लाख का था। क्यों? क्योंकि पिछली बार क्या था, पिछली बार 3 साल की एज में छूट थी। तो इस बार पोस्ट ऑफ वैकेंसी आप सभी को पता है लगभग 26,000 है और जो फॉर्म भरे गए हैं वो है 47,45,501 फॉर्म भरे गए। अगर इनको हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो 11 लाख SC कैटेगरी के, 6 लाख लगभग ST कैटेगरी के, ओबीसी के 21 लाख, जनरल के लगभग 6,45,177, ईडब्ल्यूएस के 2,67,000 और पूर्व सैनिकों के 5,514। जो पूर्व सैनिक है इनके सबसे बढ़िया है भाई, इनके सीटी रिजर्व 10% के आसपास और लगभग 2600 के आसपास तो इनकी सीटी रिजर्व हो जाएगी और फॉर्म भरे गए हैं 5,514। जो पास हो जाएंगे उन सबका नंबर आ जाएगा पूर्व सैनिकों। लेकिन सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरे गए हैं वो ओबीसी कैटेगरी के, सेकेंड नंबर पर जो फॉर्म भरे गए हैं वो भरे गए हैं ST कैटेगरी के, थर्ड नंबर पर ST के और फिर जनरल के, थर्ड नंबर पर जनरल के फिर ST के, ठीक है, और फिर EWS के। इस प्रकार से फॉर्म इतने इतने भरे गए हैं। तो कट ऑफ अब आप यहां से देख लो किसकी ज्यादा हाईएस्ट, तो जो बच्चे ST कैटेगरी से टारगेट कर रहे हैं ध्यान रखना आपके फॉर्म काफी भरे गए हैं, और ओबीसी वाले, ओबीसी का यह हाल होगा कि फिर जनरल से ऊपर मेरिट जाएगी इस बार SSGD की, जैसे पिछली बार गई थी इस बार भी जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, जितनी पिछली बार ओबीसी की गई थी जनरल से ऊपर उतनी इस बार भी जाएगी, आप फॉर्म से अनुमान लगा सकते हो। लेकिन हाँ, पिछली बार 3 साल का एज रिलेशन था तो उसके कारण कट ऑफ ज्यादा गई थी। तो अगर आप टारगेट करना चाहते हैं कि सर हम पूरा टारगेट करके आप हमको आंकड़े बता दो, तो पिछले साल की आपके स्टेट की, आपके जिले की मेरिट देख लेना SSGD की, उसको टारगेट कर लो, उससे ऊपर मेरिट नहीं जाएगी। क्यों? कि पिछले साल तीन साल का एज रिलेशन था, इसके कारण मेरिट ऊपर गई थी। तो इस बार वो 3 साल वाला हट गया है, कंपटीशन थोड़ा सा डाउन होगा, तो इसकी वजह से आप अगर उस टारगेट पे पहुंच गए पिछले बार वाले पे तो आपकी नौकरी कोई नहीं खा सकता भाई, समझ गए बात को। अब आपकी इसमें मदद करेगी हमारी ये बुकें, जो कि आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं स्पेशली SSGD के लिए। ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी क्योंकि इसमें SSGD 2023 के पूरे ओल्ड पेपर है, 40 ओल्ड पेपर, ठीक है, फ्लिपकार्ट और अमेजन से ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। और बढ़िया से तैयारी करके और फिर आइए आप मेडिकल और फिजिकल के लिए हमारे पास, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।